नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। दीवा में हजारों झोपड़ी यानी घर शासन प्रशासन के निशाने पर है। दीवा के चालियों पर संकट मंडरा रही है। 9 दिसंबर तक अपने हाथों से घर खाली कर दें, वरना प्रशासन घर को खाली करके जमींदोज कर देगी। 9 दिसंबर तक खाली करने का नोटिस लगाया गया है, जिसको लेकर दीवा के हजारों घर मालिक सदमे में हैं। आखिर जाएं तो कहां जाएं? मुंबई हाई कोर्ट का आदेश है, उच्च न्यायालय ने दिया है। न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार ने जगह जगह नोटिस लगाया है। इन हजारों झोपड़े में गरीब मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। फिलहाल जिस वक्त दीवा में नोटिस लगाया गया, उसके बाद पूरे दीवा में हंगामा मचा हुआ है। हम आपको बता दें, दीवा से लगकर खाड़ी के किनारे डंपिंग ग्राउंड के आसपास बने हजारों झोपड़ी जो CRZ पर बनी है, बिल्डर माफियाओं ने सरकारी जमीन को कब्जा कर झोपड़े बनाकर उन गरीबों को बेच दिया। और गरीब मजदूर ने ऐसे बिल्डर माफियाओं के चंगुल में आकर घर अपना यानी आसियाना खरीदा। लेकिन अब उस आसियाने पर मुंबई हाई कोर्ट का आदेश है, 9 दिसंबर के बाद JCB चलेगी। ऐसी चेतावनी भी दिया गया है, अब दीवा परिसर खाड़ी के किनारे व डंपिंग ग्राउंड के आसपास बनी झोपड़ी में रहने वाले शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसके पहले बारिश में आई बाढ़ एक बड़ा झटका लगा था उन झोपड़ी वासियों को, यानी वो घर में जो रह रहे थे लोग, और डंपिंग ग्राउंड के आसपास जो बने थे झोपड़े, उनको काफ़ी जो है झटका लगा था, सदमा लगा था। उनके घरों में पानी घुस गया था, यानी घर डूब गया था, जिसके बाद एक और सदमा लगा है। लेकिन अब जो नोटिस लगाई गई है घर खाली करने की, तो अब और सदमे में है, खलबली मची हुई है। और अब क्या होगा? और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।